हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, नए दिन की नई शुरुआत करते हुए बना लेते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी छोटों को मेरा प्यार और बड़ों को मेरा अपना। तो दोस्तों, मैं कितनी आ गई हूँ फिर एक बार एक नया ब्लॉग लेके। तो दोस्तों, बज गए हैं 9 और नाश्ता पानी वगैरह तो सब हमारा हो चुका है, बस मेरा नहाना धोना नहीं हुआ है क्योंकि मेरे को ना अभी भी सर्दी जुकाम लगाई हुआ है। सर्दी जुकाम इतना है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। दिखाया था, काफ़ी दिन हो गए थे, एक दो हफ्ते हो गए थे सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला कि पॉल्यूशन के उससे हो रहा है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई बात नहीं करके, और दवाइयाँ दे रखी हैं। मैं फटाफट से एक बार नहाना धोना, हाथ मुँह वगैरह धोती हूँ, नहाऊँगी तो क्या हाथ मुँह धोती हूँ, क्योंकि सिर धोने से क्या पता और ठंड लग सकती है, तो नहा नहीं रही हूँ आज। मैं हाथ मुँह धोती हूँ और जाती हूँ एक बार अपने लिए दवाई लेने के लिए। यहीं पे से दवाई लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। बुरी कितना प्यारा डॉगी मिला है मुझे, देखो बुरी बुरी। द्रा द्रा कहाँ था तू? हेलो बुरी, गुस्सा हो गया। हेलो कर दे, हेलो। देखो गाइस देखो, आजकल के कुत्ते सॉरी भी बोल रहे, बताओ। ओ माय गॉड, खाने के लिए तो ये कुछ भी कर देगा, अभी खाना नहीं दो तो से फिर तो प्यार कर रहे डॉग। ले आजा 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 नहीं किया आजा 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 कालू को नहीं किया। अब क्या कर रहे हो बाबू? मम्मा बीमार हो रही है तो आप मम्मा को इधर आ कह रहे हो, इधर आ कह रहे हो। हाँ हाँ, मम्मा को पकड़ के, हाथ से पकड़ के बुला रही है मेरे को। हाँ मम्मा को हाथ से पकड़ के बुला रही है। हाँ ये पाँव उपल कल के आ रहे हो। दिग्गू दिग्गू खेली कर रही है आज। दिग्गू कितना हैप्पी है ना आज। दिग्गू के लिए ये अलग है, आज दिग्गू के लिए टॉयज आ रखे हैं। ये देखो दिग्गू आज छोटा भीम आया है दिग्गू का, और दिग्गू का ये डुग्गू आ रखा है, तो दिग्गू खुश हो रखी है, खुश हो लगी है बहुत ज़्यादा खुश हुई है, हैप्पी हो गई है मेरी डुग्गू, हैप्पी हो गई है मेरा बेटा, बहुत हैप्पी हो गया ना, है ना। मम्मा का कितना ध्यान रखती है डुग्गू ना, मम्मा को सो जाओ कह रही है ना, पता है मम्मा बीमार हो रही है तो सो जाओ कह रही है मम्मा से। पता है आपको मम्मा बीमार हो रही ना, मम्मा को बुखार आया ना ना, इसमें हंसने वाली क्या बात है, मम्मा को बुखार आया कहा तो इसमें हंसने वाली क्या बात है। आज ये किसका आया, ये टैडी, ये डुग्गू, ये छोटा डुग्गू किसका आया, ये देखो, ये आजा छोटा डुग्गू, छोटा डुग्गू आजा, छोटा डुग्गू आजा, छोटा डुग्गू आजा, छोटा डुग्गू आजा। तो मैं दवाई ववाई लेके आ गई और मैंने दवाई खा भी ली, अब ना मैं आराम कर रही हूँ थोड़ी देर। मुझसे ना ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है, तो आज मैं शायद ब्लॉग को कंटिन्यू ना कर पाऊँ ना। हमने ब्लोअर जला रखा है क्योंकि ना अब ठंडा होने लग गया है, और जीवी के ना कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है दिल्ली में ना कितना ठंडा होता है, कोहरा कोहरा लगा रहता है बिल्कुल। हमारा धूप सेकना भी बंद, क्योंकि ना बाहर बहुत ही कोहरा लग रखा है, धूप वूप कुछ आ नहीं रही है, तो अब धूप वूप भी नहीं है, तो इसी ब्लोअर से ही हमें काम चलाना पड़ रहा है। तो आज से अब हम ब्लोअर से ही गर्मी प्राप्त क्या कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो तभी सर्दी जुकाम आज अभी फ़िलहाल ठीक तो नहीं हुआ है, अभी दवाई खा के देखती हूँ कल तक का ठीक होता है नहीं होता है। रास्ते में मैं थोड़ा कुत्तों के साथ खेलने लग गई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा, सर को ना ऐसे करके ढक भी रखा है क्योंकि कल, देखो ढक भी रखा है
कल डॉक्टर ने भी कहा था कि सर को ढक के रखना, तो मैंने सर ढक के रख रखा है, करके खेल रही है अभी तो फिलहाल। जब तक ये खेल रही है मुझे भी इसके साथ बैठे रहना पड़ेगा। सो ज़्यादा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तो आज ना ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देते हैं। आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कितनी जल्दी मिलती हूँ आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक आके लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा दुरुस्त रहिए। और इन सर्दियों में ना दोस्तों अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियों की स्टार्टिंग होते ही ना हर किसी को एक ना एक बार सर्दी जुकाम ज़रूर लगता है, तो उसमें बहुत केयरफुल होना ज़रूरी है। तो चलो आप लोगों को ना दोस्तों बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, अपने कान ढक के सिर ढक के हम लोगों को ठंडी से बचने की कोशिश करनी होगी। और सर्दी जुकाम लगने पर काढ़ा वगैरह पीना, जैसा जैसा हम कोविड में कर रहे थे वैसे ही हमें तो पता ही है दोस्तों क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं हम लोगों को ठंडियों में करके। और पहाड़ों में तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो पहाड़ में तो लोग और भी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है लोगों को। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्त, तंदुरुस्त रहिए, और मिलती हूँ मैं कृति जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।